अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप बहरीन का अपना वर्क परमिट कैसे चेक कर सकते हैं, और वर्क परमिट चेक करने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या चीज़ आती है जो कि आपको कंपनी देती है जब आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। तो आपको एप्लीकेशन आई डी मिलती है, जो कि ये मेरे पास मेरे दो क्लाइंट का प्रीवियस का मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के साथ शेयर करना है। एप्लीकेशन आई डी पे यहाँ पे आए, ये यहाँ पे टाइप किया, मेरे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे टाइप हुआ पड़ा था। फिर ये बॉक्स से कैप्चा सेलेक्ट किया, सर्च पे क्लिक किया, ठीक है, लोड कर रहा है, ये आ गया हमारा एक वीज़ा। अब यहाँ पे इसकी पिक्चर यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि ये एम्प्लॉई जा चुका है, ठीक है। इसके आपने वीडियो भी हमारे मेन चैनल पे देखी होगी, फसी दुबई दुबई पे, ठीक है। ये सिक्योरिटी सोल्यूशंस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड जा चुका है, ठीक है। इसका वीज़ा वैलिड है, इंफॉर्मेशन अपडेटेड है। ये पिक्चर जो है ये एयरपोर्ट पे आपकी पिक्चर कैप्चर होती है, वो लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, ठीक। अब दूसरे एक और मैं आप लोगों को कैंडिडेट का दिखाता हूँ जो अभी तक फ्लाई नहीं कर चुका, ठीक है। और ये सिक्योरिटी गार्ड है, डिफरेंट कंपनी है, वो डिफरेंट कंपनी में है, ठीक है। उसका भी वीज़ा वैलिड है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, इंफॉर्मेशन अपडेटेड है। यहाँ पे पिक्चर नहीं है, ये जब एयरपोर्ट जाएगा वहाँ पे ये शेख खादिम अलदुरैया एंड सेंस SKD कंपनी, बड़ी कंपनी, ब्रिक्स बनाती है, इसमें लेबर का इसका वीज़ा है। तो ये जब जाएगा तो यहाँ पे इसकी पिक्चर भी अपडेट हो जाएगी जो इमिग्रेशन पे लोग कैप्चर करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो अगर आपको कोई बहरीन का वर्क परमिट के बारे में बता रहा है कि आपका वर्क परमिट हम निकाल देंगे, ये वेबसाइट है LMRA.ph, ठीक है, और इसको एक्सप्रेस सर्विस भी बोलते हैं। इसमें आइडेंटिटी कार्ड अगर आपका है, वर्क परमिट है, उसकी डिटेल्स भी आप निकाल सकते हैं, पासपोर्ट की बेस पे भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक एप्लीकेशन आईडी वो आपको देते हैं जहाँ से आपको रिफ्लेक्ट होता है कि आपको जो उन्होंने एप्लीकेशन आईडी दी वो आपकी है या नहीं, और ये ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर की। अगर इसके बारे में फर्दर कुछ डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल पर भी जा सकते हैं, और इस चैनल पर भी आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, आपके साथ फर्दर इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।